दिल्ली की शानदार और आसान रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करें शानी दिल्ली को, और हमारी रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन आलू की सब्जी, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और हर घर में ही बनाई जाती है। तो हम अपनी रेसिपी आपको देंगे। आज हमने लिए हैं 300 ग्राम बैंगन, जो धोकर हमने अपनी टोकरी में रख लिए हैं। दो बड़े टमाटर लिए हैं हमने, जो काट लिए हैं हमने रफली काट लिए हैं। दो हरी मिर्च लेकर काट ली हैं और हरा धनिया। साथ ही कुछ मसाले हैं। चौथाई चम्मच हमने लिया है गरम मसाला, चौथाई चम्मच हमने ली है हल्दी, और चौथाई चम्मच हमने ली है इसमें लाल मिर्च। लाल मिर्च अगर यहाँ पर आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप तीखा खाते हैं तो इसमें बढ़ा सकते हैं। हमें इतनी ही बहुत है तो हम इतनी ही रखेंगे। आधा चम्मच हमने लिया है धनिया पाउडर, और साथ ही हमने लिया है ये अचार का मसाला, जो कि हम पहले भी अपनी रेसिपी में बता चुके हैं कि ये चार चीज़ों से बनता है। तो इसे अपने घर में हमेशा रखें, सब्जियों में ये बहुत अच्छा लगता है। तो चौथाई चम्मच हमने लिया है साबुत धनिया, इसमें चौथाई चम्मच हमने लिया है सौंफ, चौथाई चम्मच हमने लिया है कलौंजी, और चौथाई चम्मच हमने लिया है मेथी दाना। तो ये चारों चीज़ें हम इसको क्रश नहीं करेंगे, हम इसे साबुत डालने वाले हैं। आधा चम्मच हमने लिया है जीरा, और हमने दो चुटकी लिए हींग। एक दो बड़े मीडियम साइज के आलू लेकर हमने इनको पीसीज में काट दिया है, ये देखिए, और हमने इसको पानी में भी रखा है। एक चम्मच एक प्याज लिया हमने मीडियम साइज की, इसको हमने स्लाइसेस में काट लिया है। 5 से 6 हमने लहसुन की कलियां ली हैं, ये भी हमने बारीक काट ली है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर ये भी हमने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो पेस्ट भी इसकी जगह ले सकते हैं, या फिर इसको कूट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने पैन की तरफ। हमने इसमें 2 टेबल स्पून बड़े वाले भर के हमने इसमें लिया है तेल, और ये हमने हमने लिया है सरसों का तेल, और हम इसे सरसों के तेल में बनाएंगे। सब्जियों का जो जायका है वो सरसों के तेल में बहुत ही अच्छा आता है। तो इसमें डाल देंगे हम जीरा और हींग। जीरा हमारा चटकने लगा है, अब इसमें डाल देंगे हम मेथी दाना, सौंफ, धनिया और कलौंजी इसमें हम डाल देंगे, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक। चला देंगे इसको, प्याज इसमें डाल देंगे, और इसको हम गुलाबी कर लेंगे। जितना हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, इतनी देर में हम अपने बैंगन काट लेंगे। बैंगन को हम इस तरीके से काटेंगे। अगर आप ऊपर की डंडी रखना चाहते हैं तो आप इसमें डंडी छोड़ दें, नहीं तो फिर बैंगन इस तरीके से हम काट देंगे। हम कुछ बैंगनों की डंडियां काट देंगे और कुछ की छोड़ देंगे। प्याज गुलाबी हो चुका है हमारा, हम इसमें डाल देंगे अपने मसाले। इसको भून लेंगे हम अच्छी तरह। मसाले को हमने 1 से 1.5 मिनट भून लिया है, अब इसमें डाल देंगे आलू। आलू को भी 1 से 1.5 मिनट तक हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है मसाले के साथ, अब इसमें डाल देंगे हम बैगन डालकर हम अच्छी तरह चला देंगे इसको। बैगन डालकर हमने अच्छी तरह से इसको ये देखिए, जिस तरीके से हमने 1 से 1.5 मिनट आलू फ्राई की मतलब मसाले में भूने थे, उसी तरीके से हमने बैगनों को 1 से 1.5 मिनट तक आलू और मसालों के साथ अच्छी तरह मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, नमक ज्यादा ना डालें, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर डालकर हमने इसको चला दिया अच्छी तरह। अब इसमें क्या करेंगे, हम हरी मिर्च डालेंगे, और इसको हम बिल्कुल लो हीट पर 10 से 15 मिनट तक के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि हमारे आलू और बैंगन दोनों अच्छी तरह गल जाए। पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारी सब्जी में भी मॉइस्चर है, और हमने ये टमाटर बाद में डाला है इसमें, वो भी काफ़ी पानी छोड़ेगा। तो बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे, अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम इसमें 2 चम्मची पानी डाल सकते हैं। 10 से 15 मिनट हमारे आलू बैंगन को पकते हुए हो गए हैं। हमने इन्हें बिल्कुल मीडियम हीट बिल्कुल लो हीट पर रखा था, और हमने इसमें पानी नहीं डाला था। उसके बावजूद भी सब्जी ने काफ़ी पानी छोड़ा है, आलू और बैंगन, और हमने जो इसमें टमाटर डाले थे उसने, और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहे थे। अब ये देखिए, हमारी सब्जी बिल्कुल
बैंगन और आलू गल चुके हैं। अब अपनी हीट को हम करेंगे मीडियम और इसको भून लेंगे। देखिए अब भी इसमें काफी पानी है। सब्जी को हमने 1 से 1.5 मिनट अच्छी तरह से कस लिया है, जो इसमें हल्का सा पानी था। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे हम, इसको तो मिलाएंगे अच्छी तरह और फिर से हम सर्व करेंगे। आलू बैंगन की सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली रेसिपी है ये और बड़े ही शौक से हर घर में खाई जाती है। तो हमारी इस रेसिपी को चावलों के साथ आप या फिर रोटियों के साथ, इसके साथ भी आपका दिल करे उसके साथ खाएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है ये। तो हमारी रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।